हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अ वुमन ऑफ नो इम्पोर्टेंस बाय ऑस्कर वाइल्ड। इस प्ले को लिखा गया था 4 एक्ट में और इसे सबसे पहले परफॉर्म किया गया था 19 अप्रैल 1893 पे। इस प्ले के थ्रू ऑस्कर वाइल्ड ने ब्रिटिश अपर क्लास सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ किया है। इस प्ले का सेटिंग जो है वो 1893 का है। सो लेट्स बिगिन विद द एक्ट फर्स्ट। एक्ट फर्स्ट में लेडी हंस्टैंटन एक पार्टी रखती है, और इस पार्टी में अपर क्लास सोसाइटी के काफ़ी सारे लोग शामिल भी होते हैं। वहाँ पर है लेडी कैरोलिन पोंटीफ्रैक्ट और है हेस्टर वॉर्सले, जो कि एक अमेरिकन लड़की है। अभी लेडी कैरोलिन जो है यह हंस्टैंटन से बातचीत कर रही होती है। उसे हेस्टर वॉर्सले पसंद आती है, या मानो वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे ये पसंद नहीं है कि हेस्टर को, इस अमेरिकन लड़की को, गेराल्ड आर्बुथनॉट पसंद है करके। अभी गेराल्ड आर्बुथनॉट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस प्ले का। तो जैसे ही ये डिस्कशन चल रहा होता है तभी वहाँ पर गेराल्ड आर्बुथनॉट आता है और वो ये बताता है कि लॉर्ड इलिंगवर्थ ने उसे एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट करने का डिसाइड किया है। अब लॉर्ड इलिंगवर्थ जो है वो बहुत ही एम्बिशियस पर्सन है। ही वॉन्ट्स टू बिकम द फॉरेन एम्बेसिडर। अब जैसे ही ये अनाउंसमेंट वो करता है, क्योंकि इस अनाउंसमेंट का मतलब है लॉर्ड इलिंगवर्थ काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, मतलब ही इज़ वेरी सक्सेसफुल, लेकिन वो वुमनाइजर भी है, मतलब औरतों के बीच में काफ़ी इन्वॉल्व रहता है, ही इज़ बैडली फेमस। तो लॉर्ड इलिंगवर्थ ने उसे सेक्रेटरी अपॉइंट करने का मतलब है कि ही इज़ गोइंग टू नाउ हैव अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड अ पॉलिटिकल सक्सेस टू। तो जैसे वो ये अनाउंसमेंट करता है तो लोग काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है, और अब वो अपर क्लास सोसाइटी में नाउ ही इज़ गोइंग टू हैव हिज होल्ड, हिज रिस्पेक्ट। तो उसे टाइम पर लेडी हंस्टैंटन क्या करती है कि मिसेस आर्बुथनॉट को, मतलब गेराल्ड आर्बुथनॉट की मदर को, एक लेटर भिजवाती है, उसे इनवाइट करती है ताकि वो आए और उनके साथ में डिनर करें। तो गेराल्ड जो है उस टाइम पर हेस्टर को पूछता है कि हम वॉक के लिए चलते हैं, और वो दोनों वॉक के लिए निकल जाते हैं। उसी टाइम पर जैसे गेराल्ड और हेस्टर निकलते हैं, वहाँ पे आते हैं लॉर्ड इलिंगवर्थ, एंटर्स इन द पार्टी, और इतने में लेटर जो मिसेस आर्बुथनॉट को भेजा गया है उसका जवाब मिसेस आर्बुथनॉट भिजवाती है। उस लेटर में ये लिखा होता है कि वो डिनर के लिए तो नहीं आ पाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो पार्टी ज़रूर ज्वाइन करेगी। अब जैसे मिसेस आर्बुथनॉट का लेटर उस पार्टी में पहुँचता है, एक्सीडेंटली वो लगता है लॉर्ड इलिंगवर्थ के हाथ में, और लॉर्ड इलिंगवर्थ जो है वो उस टाइम पर बात कर रहे होते हैं मिसेस एलनबी से। ये भी एक लेडी है जो उस अपर क्लास सोसाइटी की, जो उस पार्टी में शामिल हुई है। तो जैसे ही लॉर्ड इलिंगवर्थ और मिसेस एलनबी बात कर रहे होते हैं, लॉर्ड इलिंगवर्थ के हाथ में वो लेटर लगता है जो मिसेस आर्बुथनॉट ने भिजवाया है। उस लेटर को देख कर इलिंगवर्थ को वो हैंड राइटिंग जो है वो काफ़ी फैमिलियर लगती है। तो मिसेस एलनबी जो उनके साथ में खड़ी होती है वो उनसे पूछती है कि ये हैंडराइटिंग आपको किसकी याद दिलाती है। तो लॉर्ड इलिंगवर्थ जवाब देते हैं कि अ वुमन ऑफ नो इम्पॉर्टेंस, कोई ख़ास नहीं ऐसी लेडी जो कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद में शुरू होता है एक्ट सेकेंड, जहाँ पर ये जो अपर क्लास सोसाइटी की जो पार्टी चल रही है उसमें डिस्कशन चल रहा होता है, इंग्लिश सोसाइटी वर्सेस अमेरिकन सोसाइटी। तो इस डिस्कशन में हेस्टर जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। उसका कहना होता है कि इंग्लिश सोसाइटी जो है उसमें औरतों को जो है वो नीचे का दर्जा दिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब गलती दोनों को है तो दोनों की है तो दोनों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश सोसाइटी में क्या होता है कि सिर्फ औरतों को पनिश किया जाता है, उनको एज अ कल्प्रिट देखा जाता है और आदमियों के लिए कोई सज़ा नहीं है, तो ये गलत है। अब जब ये डिस्कशन चल रहा होता है तभी वहाँ पर मिसेस आर्बुथनॉट आती है, और मिसेस आर्बुथनॉट के आने के बाद में थोड़ी देर बाद ही इलिंगवर्थ भी वहाँ पर शामिल हो जाते हैं। अब गेराल्ड जो कि वॉक से वापस आ चुका होता है हेस्टर के साथ में, वो मिसेस आर्बुथनॉट को, जो कि उसकी माँ है, और इलिंगवर्थ जो कि उसका वुड बी बॉस है, उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है। अब गेराल्ड को ये नहीं पता कि इलिंगवर्थ जो है वो उसके पिता है, तो वो निकल जाता है पार्टी के लिए। सारे लोग जो है वो म्यूज़िक रूम के लिए निकल जाते हैं और पीछे खड़े रहते हैं सिर्फ मिसेस आर्बुथनॉट और इलिंगवर्थ। अब इन दोनों को सच पता है एक दूसरे का, सो बोथ स्टे बिहाइंड और बाकी सारे लोग म्यूज़िक रूम के लिए निकल जाते हैं। अब दोनों जो है वो अपनी पिछली लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। मिसेस आर्बुथनॉट जब यंग थी तब
इलिंगवर्थ, जो कि जिनका नाम पहले जॉर्ज नाम से जो जाने जाते थे, तो ये जो जॉर्ज है ये इनको प्रेग्नेंट करने के बाद में मिसेस आर्बिथनॉट को उसे छोड़ देता है, और उसको प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद में एक अनवेड मदर होने के बाद में, शादीशुदा नहीं होते हुए वो प्रेग्नेंट होती है, तो सोसाइटी में वो कैसे फेस करेगी सब कुछ, इतने सारे चैलेंजेस, इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़, लोगों की बातें, इन सब के लिए जॉर्ज उसको अकेला छोड़ देता है कि वो सब अकेले खुद फेस करती बैठेगी, और वो निकल जाता है। वो एक्सेप्ट नहीं करता मिसेस आर्बिथनॉट को, उस बच्चे को। अब इतने सालों के बाद में जब मिसेस आर्बिथनॉट इलिंगवर्थ के सामने खड़ी होती है, तो वो सोचती है कि शायद अब इलिंगवर्थ को जब ये पता चल चुका है कि गेराल्ड उसी का बेटा है, तो शायद वो उसे अब सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं करेगा, वो अपना ऑफ़र पीछे ले लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तब मिसेस आर्बिथनॉट जो है वो इलिंगवर्थ से कहती है कि मेरा बेटा, मतलब गेराल्ड आर्बिथनॉट, ये बस एक ही चीज़ है जो मेरे पास में, जिसके सहारे मैं जी सकती हूँ, मैंने उसे अकेले पाल पोस कर बड़ा किया है, तो बेहतर होगा कि तुम उसके लाइफ में दखलअंदाजी मत दो, उसको और मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन इलिंगवर्थ जो इस बात के लिए तैयार नहीं होता, वो रिफ्यूज़ कर देता है, और वो बोलता है कि मैं उसे एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट करूँगा। अब इतने में वहाँ पर जो है आर्बिथनॉट का बेटा गेराल्ड आर्बिथनॉट आता है, तो जो ये है इलिंगवर्थ, वो बोलता है कि आपके बेटे में ये सारी क्वालिटीज़ है कि मैं उसे सेक्रेटरी अपॉइंट करूँ, कि इसके बावजूद आपको कोई ऑब्जेक्शन है इस जॉब के लिए? तो मिसेस आर्बिथनॉट, क्योंकि उसने गेराल्ड को सच नहीं बताया है, उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता, और वो बोलती है कि नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि अगर आप उसे एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट करते हो। इसके बाद में शुरू होता है एक्ट थर्ड, जहाँ पे गेराल्ड और लॉर्ड इलिंगवर्थ जो है वो एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे होते हैं रिगार्डिंग मिसेस आर्बिथनॉट। अब मिसेस आर्बिथनॉट के बारे में गेराल्ड बोलता है कि मैं अपनी माँ के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव हूँ, और मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा एडमिरेशन है, बहुत ज़्यादा मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ, और वो बोलता है कि मेरी माँ जो है वो एक ग्रेट वुमन है। तो लॉर्ड इलिंगवर्थ बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी माँ एक महान औरत होगी, लेकिन किसी भी इंसान को जो है ना वो महान औरत नहीं चाहिए होती अपनी लाइफ में। फिर इसी डिस्कशन के दौरान वो कुछ अपने और व्यूज़ भी रखता है रिगार्डिंग सोसाइटी, मैरिज एंड औरतें, इन सब के बारे में लॉर्ड इलिंगवर्थ जो है वो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करता है। उतने में जो मिसेस आर्बिथनॉट है वो वहाँ पर आती है, और उसे लॉर्ड इलिंगवर्थ के व्यूज़ सुनकर कुछ अच्छा नहीं लगता है। वो बोलती है कि ये एक अक्षम्य अपराध है, अनफॉरगिवेबल है अपराध है, कि अगर कोई आदमी किसी औरत की लाइफ बर्बाद करता है तो उस क्राइम को जो है वो क्षमा नहीं की जा सकती। अब हेस्टर जो वहाँ पर मौजूद होती है वो भी कुछ अपना ओपिनियन रखती है। वो बोलती है कि माता पिता के जो भी पाप होते हैं वो उनके बच्चों को भोगने पड़ते हैं, उनके बच्चों को झेलने पड़ते हैं। तो मिसेस आर्बिथनॉट को ये बात काफ़ी हर्ट कर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि इनडायरेक्टली कहीं उसी को, उसी के बारे में बोला जा रहा है कि उसने जो पास्ट लाइफ में जो इल्लीगल बोल सकते हो रिलेशनशिप रखा था, उसी की वजह से आज उसके बेटे को लाइफ जो है वो सफ़र हो सकता है, ऐसा कुछ हेस्टर का बोलना है। तो मिसेस आर्बिथनॉट जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, और वो कोशिश करती है कि वो गेराल्ड को जो वो सच बता दे, लेकिन सच बताने के लिए वो थर्ड पर्सन नरेशन का, मतलब किसी और के थ्रू की स्टोरी, वो गेराल्ड को ये सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन गेराल्ड को कुछ समझ में नहीं आता है, और वो अपना फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करता है। रिगार्डिंग व्हाट, वो काफ़ी दुखी है, फ्रस्ट्रेट है, ये सोच कर कि उसकी माँ खुश नहीं है कि उसको इतना बड़ा पोजिशन मिल रहा है, क्योंकि उसे ये सच नहीं पता है कि उसकी माँ इसलिए डिस्टर्ब है, वो नहीं चाहती कि वो लॉर्ड इलिंगवर्थ के साथ में काम करे एज ए सेक्रेटरी, क्योंकि उसका जो पिता है लॉर्ड इलिंगवर्थ वो एक अच्छा आदमी नहीं है। अब जब ये सब चल रहा होता है, उसी बीच में हेस्टर जो है वो भागी दौड़ी गेराल्ड के पास में आती है, और उसे कंप्लेंट करती है कि लॉर्ड इलिंगवर्थ ने जो है वो उसे किस करने की कोशिश की। अब जैसे ही गेराल्ड को ये पता चलता है, वो बहुत आग बबूला हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है, और लॉर्ड इलिंगवर्थ को अटैक करने के लिए जाता है। तब उसकी माँ जो है मिसेस आर्बिथनॉट, वो गेराल्ड को रोकती है, और उसे पता है कि उसे रोकने का एक ही रास्ता है कि उसे सच बताना पड़ेगा, और वो उसे सच बताती है कि लॉर्ड इलिंगवर्थ जो है वो तुम्हारे पिता हैं। ये सुनकर गेराल्ड का हाथ रुक जाता है, और वो अपनी माँ को लेकर पार्टी छोड़कर वापस घर चला जाता है। अब शुरू होता है एक्ट फोर। अब गेराल्ड जो है वो क्या करता है कि लॉर्ड इलिंगवर्थ को एक लेटर लिखता है। उस लेटर में वो लॉर्ड इलिंगवर्थ से कहता है कि आप घर में आइए,
आप घर पर आइए, मेरी माँ से मिलिए और उसे प्रपोज़ कीजिए शादी के लिए। अब ये सब जो है वो मिसेस आर्बुथनॉट को नहीं पता है कि उनका बेटा जो है वो ये सब कुछ कर रहा है। अब इससे पहले कि लिंगवर्थ वहाँ पर आए मिसेस आर्बुथनॉट से मिलने, हंस स्टैंटन और एलन भी, जो कि उस पार्टी में की अपर क्लास लेडीज़ थी, वो मिसेस आर्बुथनॉट से मिलने आती है, लेकिन गेराल्ड उनको वापस भिजवा देता है ये कहकर कि मेरी माँ जो है वो आराम कर रही है, उसके सिर में दर्द है। अब जब मिसेस आर्बुथनॉट नीचे आती है अपने कमरे से, तो गेराल्ड उनको बताता है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे लेटर लिखा है इलिंगवर्थ को। तो मिसेस आर्बुथनॉट को बहुत गुस्सा आता है, वो समझ नहीं पाती कि गेराल्ड ने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया, क्यों लेटर भिजवाया। वो उसे समझाती है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसने मेरे से शादी नहीं की है, एक्चुअल में यही कि अब मैं ही उससे शादी नहीं करना चाहती, बिकॉज आई हेट दैट मैन। वो इंसान ही ऐसा नहीं कि उसके लिए लव या रिस्पेक्ट हो करके, क्योंकि मिसेस आर्बुथनॉट जो है वो लॉर्ड इलिंगवर्थ को ठीक से पहचानती है। अब गेराल्ड जो है वो एक्चुअली लॉर्ड इलिंगवर्थ का जॉब एक्सेप्ट वैसे भी नहीं करने वाला, लेकिन वो अपने माँ के लिए रिस्पेक्ट चाहता है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता है कि मिसेस आर्बुथनॉट को एक्चुअल में अब इलिंगवर्थ से शादी करनी ही नहीं है, क्योंकि वो उससे प्यार ही नहीं करती, एक्चुअली शी हेट्स इलिंगवर्थ। तो ये सुनने के बाद में वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है मिसेस आर्बुथनॉट, ये सब कहते हुए कि मैंने तुम्हें इतने सालों तक अकेले कैसे पाल पोस कर बड़ा किया है, ये सब मैं जानती हूँ, मैंने कैसे सोसाइटी को फेस किया है, सब मैं जानती हूँ। एक्चुअली सोसाइटी में उसको लोग मिसेस आर्बुथनॉट को एज अ अनवेड मेदर नहीं देखते, वो उसको विधवा समझते हैं, और वो ये सच छुपा के भी रखती है कि वो विधवा नहीं है बल्कि वो शादीशुदा ही नहीं है करके, ताकि उसका लाइफ थोड़ा आसान हो। तो ये सब सुनने के बाद में गेराल्ड जो है वो हेस्टर जो है गेराल्ड की फियांसी, वो मिसेस आर्बुथनॉट को सूद करने की कोशिश करते, उनको सांत्वना देने की कोशिश करती कि आप शांत हो जाइए, मैं आप दोनों की केयर करूँगी, गेराल्ड की और मिसेस आर्बुथनॉट की, आप दोनों की केयर मैं करूँगी, मैं आपको एज अ मदर ट्रीट करूँगी, क्योंकि हेस्टर के पास में काफ़ी पैसा है और वो बोलती है कि आपको फाइनेंशियल चीज़ों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इतना बोलकर हेस्टर और गेराल्ड जो है वो गार्डन में चले जाते हैं। उतने में वहाँ पर आते हैं इलिंगवर्थ, लॉर्ड इलिंगवर्थ आते हैं मिसेस आर्बुथनॉट से मिलने के लिए, और उसे बोलते हैं कि मैं गेराल्ड को जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना चाहती हूँ, अपने प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा देना चाहता हूँ। तो एक्चुअली लॉर्ड इलिंगवर्थ मिसेस आर्बुथनॉट से मिलने जब आता है, तो उसने वो लेटर नहीं पढ़ा है जो गेराल्ड ने उसे लिखा था, ताकि वो आए और मिसेस आर्बुथनॉट को प्रपोज करे। अब जैसे ही इलिंगवर्थ जो है वो लेटर पढ़ता है, तो वो अपना दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू रखता है आर्बुथनॉट के सामने, उससे बोलता है कि आई एम रेडी टू गेट मैरिड टू यू, मैं अपना जो फॉरेन एम्बेसडर का पोजीशन है वो भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। तो मिसेस आर्बुथनॉट जो है वो बोलती है कि मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी है। तब लॉर्ड इलिंगवर्थ का ईगो जो है वो हर्ट होता है, और वो बोलता है कि एक्चुअली मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता, मैंने तुम्हें एज अ टॉय यूज़ किया है, एज अ प्लेथिंग यूज़ किया है, और मैं गेराल्ड को अपना बेटा भी नहीं समझता हूँ, मैं तो उसे बास्टर्ड समझता हूँ। तो मिसेस आर्बुथनॉट ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है, और वो तुरंत जो है वो मिसेस इलिंगवर्थ को थप्पड़ जड़ देती है, थप्पड़ मार देती है। तो इस सारे चक्कर में जो है लॉर्ड इलिंगवर्थ का जो ग्लव होता है हाथ में पहना हुआ, वो नीचे गिर जाता है। अभी इस सारे डिस्कशन के बाद में जो है इलिंगवर्थ वहाँ से निकल जाता है, और मिसेस आर्बुथनॉट जो है वो रोते हुए टूटी हारी सोफे पर बैठ जाती है। वहाँ पर आता है गेराल्ड और हेस्टर आती है, दोनों आते हैं। तो गेराल्ड जो है वो ज़मीन पर पड़ा हुआ ग्लव जब देखता है, तो वो पूछता है अपनी माँ से कि ये किसका है। तो उसकी माँ बोलती है कि अ मैन ऑफ अ नो इम्पॉर्टेंस, वो एक ऐसे इंसान का है, एक ऐसे आदमी का है जो कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। यहाँ पर एक्ट फोर ख़त्म होता है। ओके, अब ये जो पूरा प्ले है, इसे एक्चुअली ऑस्कर वाइल्ड का वीकेस्ट प्ले भी कहा जाता है, और इसकी वजह यह है कि एक्ट फर्स्ट में इसका प्लॉट जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि एक्ट फर्स्ट में एक्चुअली कुछ ही नहीं होता है, सिर्फ गॉसिपिंग दिखाया गया है अपर क्लास का। बाकी इस प्लॉट में बहुत ज़्यादा हैपनिंग ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर इनएक्टिव, तो इसलिए इस प्ले को वीकेस्ट प्ले भी कहा जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द प्ले। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।